सो लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? व्हाट वी वर डिस्कस सर सेगमेंट रजिस्टर शुरू कर रहे थे शायद। करने वाले थे? ओके, मतलब डिफरेंट रजिस्टर्स जो होते हैं हमारे। बिफोर लुकिंग फॉरवर्ड, हमने एक चीज रिवाइज नहीं की थी। लेट मी रिवाइज हियर। इंस्ट्रक्शन क्यू के बेनिफिट्स क्या थे? डिले को खत्म कर देता है सर, जो वेट, बिल्कुल। एग्जीक्यूशन। लेकिन ये डिले खत्म करने की एक ऐसी कंडीशंस आती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे ये फेल हो जाता है। वो बहुत कौन सी कंडीशंस थी? सर जब इसमें 1 बाइट खाली होगी तब। ओके, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा कौन सी कंडीशन थी जब ये इंस्ट्रक्शन क्यू फेल अप हो जाती है? मतलब ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो जाता है। हमने डिस्कस की थी, थोड़ा सा डिस्कस किया था वो चीज। डज एनीवन रिमेंबर? अगर ध्यान से सुना होगा तो याद होगा। उस टाइम के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन क्यू को हमें फ्लश करना पड़ता है। किसी को याद है? फहद? नहीं नहीं याद आ रहा है ना? बस चलिए ठीक है। जब आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल इंस्ट्रक्शन या जंप इंस्ट्रक्शन आती है, इस कंडीशन पे क्या होता है? हमें न्यू लोकेशन पे जाना पड़ता है। ऐसे ही होता है ना, या फिर कहीं ना कहीं और जाना होगा? Is that so? ऐसे ही होगा। लेकिन हमारी फिर जो क्यू है, क्यू में तो हम डायरेक्टली 5 या 10 स्टेटमेंट या फिर इंस्ट्रक्शन जंप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें इंस्ट्रक्शन क्यू को फ्लश करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपका एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस जो है वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। हम जो क्या यूज कर रहे हैं, हम कोई और इंस्ट्रक्शन जाके यूज कर रहे हैं, कहीं और जंप करके यूज कर रहे हैं। सो इंस्ट्रक्शन क्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन में पाइपलाइनिंग हमारी फेल हो जाती है। ये कंडीशन है, शायद हमने डिस्कस भी की थी ये चीज। एनीवे, तो लेट्स कम टू द डिफरेंट रजिस्टर्स। हमारे डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जो हमारे 8086 में यूज किए जाते हैं। एंड वो बेसिकली क्या होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। और अगर टाइम होगा तो मेमोरी सेगमेंटेशन भी हम डिस्कस करते हैं। सो हमारा फर्स्ट रजिस्टर जो होता है वो होता है हमारा AX रजिस्टर। बता सकता है कोई ये कितने बिट का रजिस्टर है? अहमद? 60 बिट का, 16 60 या 16? वन सिक्स 16 बिट का, बिल्कुल ठीक। अहमद रजा, आर यू देयर? यस सर। ओके, इन्होंने बोला 16 बिट का है, तो दैट मींस AX रजिस्टर में जो हम डाटा हैंडल आउट कर सकते हैं वो 16 बिट का कर सकते हैं, राइट अहमद? यस अगर हमें 8 बिट का यूज करना है, मतलब डाटा, सपोज हमारे पास जो डाटा है या फिर हमें सम करना है, वो सिर्फ 8 बिट के डाटा का करना है, देन व्हाट विल वी डू अहमद? सर, मतलब समझाने में। अब ये जो रजिस्टर है, ये हमारे पास 16 बिट का रजिस्टर है, दैट मीन्स इट कैन हैंडल द डाटा अप टू 16 बिट। ऐसे ही यस सर। है ना? अब लेट अस सपोज हमें एडिशन करना है 2 8 बिट नंबर का। अगर हम 16 बिट का रजिस्टर यूज करते हैं, AX को यूज करते हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब हम 16 बिट के रजिस्टर में 8 बिट का डाटा यूज कर रहे हैं, तो मतलब ये सही नहीं है ना। हम फालतू में हमारी 8 बिट खाली जा रही है, और ऑब्वियसली बात है हमारा टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। देन व्हाट विल वी डू? ये सहमत क्या करें? सॉरी सर, नो आइडिया, कुछ नहीं समझ आया मुझे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर आंसर समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर सर क्वेश्चन ही मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? चलिए ये बोलिए ना, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। हमारे पास जो रजिस्टर है वो AX रजिस्टर है। अभी चितरंजन ने सही कहा कि जो रजिस्टर है ये हमारा, चलिए लिख ही लेते हैं, ये जो रजिस्टर है ये हमारा 16 बिट का रजिस्टर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं हम। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कोई 8 बिट का डाटा ले लिया। लेट अस सपोज हमने ले लिया 0100। कितने बिट का है ये अहमद? अहमद सर कितने बिट का है ये? यस सर, कितने बिट का है 0100? इसका साइज कितना है? वन 1 साइज है इसका? 1 क्या? 1 बिट 1 बिट? अहमद यस सर। माइक क्यों ऑफ कर देते हैं आप? अभी आपसे ही पूछ रहे हैं कितने साइज क्या है इसका। 1 बिट, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग? सर AX का तो 16 है।
एक्स नहीं, एग्जाम्पल मैंने एक लिखा है ऊपर रेड कलर से, 0100, सॉरी इसका सर, साइज 0108, कितना है? 8 बिट, 8 बिट, सॉरी 8 बिट सर। 8 बिट का डाटा है। अगर हम इस 8 बिट को डाटा को AX के अंदर लेके जाएंगे तो क्या AX पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा? नो सर, अभी भी स्पेस खाली। स्पेस खाली होगी। तो क्या ये सही है कि हम AX को खाली स्पेस के साथ यूज करें? सर यूज तो जब कर हम सकते हैं कर पर सकते टाइम हैं, बट अवेलेबल अगेन प्रोग्राम हमें टाइम कम करना है, तो इट इज नॉट गुड ना। हम है। उसका कोई यस अल्टरनेट सर, सोच सकते हैं, राइट? तो बता यस सकते हो सर। क्या अल्टरनेट हो सकता है इसका? हम उसी में एक और 8 बिट नंबर यूज कर सकते हैं। तो उनको फिर सेग्रीगेट कैसे करेंगे हम? दोनों में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? आप कह रहे हैं एक और 8 बिट नंबर यूज कर लेते हैं एक्स के अंदर, तो पता कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर क्या है? वो तो पूरा एक 16 बिट का डाटा बन जाएगा। यस सर, सॉरी सो व्हाट विल वी डू? सर, नहीं पता। नहीं पता, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब कुछ सामने ही है। राघिब, सर हम राघिब दो दो सेगमेंट्स बना सकते हैं। सर दो सेगमेंट, सेगमेंट इज डिफरेंट है ना, वो अभी नीचे है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, कोई बात नहीं। राघिब आदित्य, ओके, बता सकते हैं इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन, का कैसे कर सकते हैं, क्या है इसका, किस तरह से करें? सर, 16 बिट एड्रेस को पार्टी करेंगे सर, 8 8 बिट में। 8 8 बिट में पार्टी कर देंगे? नहीं, अभी तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 8 बिट का ही डाटा है। डाटा जो है हमारे पास 0100 वो 8 बिट का ही है। हमारे पास रजिस्टर जैसे चितरंजन ने बोला 16 बिट का है, स्पेस हमारे पास 8 बिट की खाली पड़ गई। अगर हम 8 16 बिट का ही रजिस्टर यूज करें तो इट इज़ अ प्रॉब्लम कि हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट सो? ऐसे ही होगा ना लागे? सर तो क्या करें? चलिए, जो जवाब दे सकता है चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। फहद, हेलो। सर, कहाँ है वाला इसमें क्या सर, फहद, बात? यस फहद इसमें AI जी, या फिर बताइए। AH को इस्तेमाल कर लेंगे सेपरेटली? हाँ बिल्कुल यस, ठीक, सेपरेटली यूज हमारा कर लेंगे सर बेसिकली डायरेक्ट। डायरेक्टली बिल्कुल ठीक, इसी इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या, इन्होंने 8086 ने क्या किया, AX रजिस्टर को भी इन्होंने तोड़ दिया AL में एंड AH में, और इनका साइज है 8 एंड 8। अगर आपके पास सबसे अगर 16 बिट रजिस्टर यूज करना चाहते हैं, आप एज एन AX यूज कर लीजिए। अगर वही आप तो एट बोला बिट था का कि रजिस्टर यूज, सेगमेंट यूज। सेगमेंटेशन इज डिफरेंट अहमद, हम फिर यहाँ पर आ यस जाते सर, हैं, मतलब ये था कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। चलिए दो पार्ट्स में हम रजिस्टर को डिवाइड करते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक, शायद हम ढंग से आपकी बात समझ नहीं पाए, सॉरी अबाउट दैट थिंग। ओके, सो बेसिकली इसीलिए हमने AX को दो पार्ट्स में, हमने हमने नहीं मतलब 8086 ने, माइक्रोप्रोसेसर ने डिवाइड कर दिया कि आपके पास एक AH है, हायर एंड लोअर, एच एल पेयर ने ये हायर एंड लोअर है, रिमेंबर दिस थिंग। सो अगर आपके पास 2 बिट 8 बिट का डाटा है तो यू कैन यूज AH, यूज कीजिए AL को, यूज कीजिए, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम फॉर दैट थिंग। सो बेसिकली एक्यूमुलेटर इटसेल्फ जैसे हम बात करते हैं, तो हमारा जो एक्यूमुलेटर जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, कोई बता सकता है? नहीं, 8085 में ही पढ़ा था, व्हाई वी यूज एक्यूमुलेटर? कोई भी सर कैलकुलेशन होता है ऑपरेशंस उसमें, उसी जो में एक रजिस्टर परफॉर्म होता है होते सर, तो उसमें इन्वॉल्व रहता है सर। बिल्कुल, नहीं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस आप कर रहे हो तो यू नीड टू इन्वॉल्व दी AX रजिस्टर, आप किसी और रजिस्टर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव लेट अस से इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, अगर आपने करनी है, इंस्ट्रक्शंस करनी है, देन यू हैव टू इन्वॉल्व दिस AX रजिस्टर, इट इज मेंट फॉर दैट थिंग, है ना। आइडली जो 8086 ने बोला गया है आप इस चीज के लिए आप AX रजिस्टर यूज कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा BX रजिस्टर, ए से एक्यूमुलेटर होता है, आई थिंक सबको पता ही होगा। नेक्स्ट आता है BX रजिस्टर, BX रजिस्टर को हम बोलते हैं बेस रजिस्टर। जस्ट अ मिनट, सो बेसिकली जो आपका बेस रजिस्टर जो होता है, जो सेकंड रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमारी हम इसको दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली कंडीशन एक इंडेक्स रजिस्टर की तरह, यानी हम जब लूप ऑपरेशन से हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक आपको डायरेक्ट एड्रेस को इंस्ट्रक्शन
इंडेक्स मतलब बताना पड़ेगा। तो एज अ लूपिंग में आप हम इसको एज अ इंडेक्स रजिस्टर की तरह हम बीएक्स को यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बीएक्स को एज अ पॉइंटर की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब टू होल्ड द ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस जो आपका बेस सेगमेंट है, अभी हम सेगमेंट देखेंगे कि सेगमेंट क्या होते हैं, जो डाटा सेगमेंट बेसिकली जो है, इस डाटा सेगमेंट का ऑफसेट जो होता है वो हमारा बेस रजिस्टर बीएक्स में होता है। ऑफसेट जब हम मेमोरी सेगमेंटेशन करेंगे हम उस दोबारा उस पे चीज पे आएंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बेस रजिस्टर जो होता है वो हमारा दो चीजों, दो कामों में यूज किया जाता है। द फर्स्ट वन इज एज इट इज यूज एज इंडेक्स रजिस्टर फॉर फॉर सर्टेन लूप ऑपरेशन। अगर आप लूप ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक कंप्लीट काउंटर लगा रहे हैं, लूपिंग कर रहे हैं, किसी भी आपको जरूरत पड़ी है तो यू कैन यूज अ बेस रजिस्टर, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज बेस रजिस्टर एज अ ऑफसेट रजिस्टर। और फिर कह सकते हैं हम इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि हम इसको जैसे हमारे 8085 में एचएल पे मेमोरी होती थी बाय डिफॉल्ट, जब भी आप मेमोरी की बात करते थे तो बाय डिफॉल्ट वो एचएल पेयर ही लिया करता था। सेम थिंग यहाँ पर होती है, अगर हम बाय डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन की बात करते हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर स्पेसिफाइंग, तो आप वो बीएल रजिस्टर जो आपका बीएक्स रजिस्टर है, सॉरी बीएक्स रजिस्टर को कंसिडर करेगा इफ यू आर यूज नॉट डिफाइनिंग। इट इज सिमिलर टू द एचएल पेयर ऑफ द 8085, सिमिलर टू दैट थिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सीएक्स रजिस्टर। सो सीएक्स बेसिकली डिनोट्स द काउंट रजिस्टर। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एज अ काउंटर की तरह यूज किया जाता है, कि आपको लेट अस सपोज कोई इंस्ट्रक्शन यूज करनी है, रोटेट यूज करनी है, शिफ्ट यूज करना है, तो यू नीड टू होल्ड अ काउंट वैल्यू, है ना, कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन रन हो चुके हैं। तो फॉर दैट थिंग 8085 ने बोला आप काउंट रजिस्टर को यूज कर लीजिए। तो यू डोंट नीड टू डिफाइन दीज थिंग्स। तो काउंट रजिस्टर आप अगर डिफाइन कर रहे हैं तो कैन डायरेक्टली यूज दिस काउंट रजिस्टर। और इवन हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है जिसमें आप CX को वो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं एज अ काउंट रजिस्टर, यू कैन यूज डायरेक्टली दैट थिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएक्स रजिस्टर। इसको हम बोलते हैं डाटा रजिस्टर। तो डाटा रजिस्टर नाम से ही है। तो बेसिकली लेट अस सपोज हमारे पास हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर हम डिवीजन कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर हमारा जब भी आप क्वेश्चंस भी होते हैं उसके अंदर रिमाइंडर्स भी होते हैं, टेम्परली हमें इसको स्टोर करना पड़ता है। सो वी यूज दिस, मतलब जो रिजल्ट है बेसिकली, तो उसको हम डाटा रजिस्टर्स के अंदर हम यूज करते हैं। आप मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज वन एग्जाम्पल फॉर दैट थिंग। आपको क्वेश्चन भी आपने सेव करना है, आपने रिमाइंडर भी सेव करना है, डिवाइजर भी सेव करना है, देन वी यूज दिस डाटा सेगमेंट। उन्होंने बोल दिया गया है, वी हैव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर दैट कि आप यू कैन यूज। ऐसा नहीं है कि आप एक्यूमुलेटर का यूज नहीं कर सकते, यू कैन यूज दैट एक्यूमुलेटर आल्सो, बट 8086 डिफाइंड कि उन्होंने बोला है कि इट इज बेटर टू यूज द डाटा सेगमेंट। हम आपको एक रजिस्टर दे रहे हैं, यू कैन यूज अदर रजिस्टर्स आल्सो, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू आपको उसको डायरेक्ट स्पेसिफाई, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बट अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, वी हैव द इंस्ट्रक्शन फॉर दैट थिंग, यू कैन यूज दिस एज अ डायरेक्टली आप डाटा रजिस्टर बीएक्स को डाटा रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं फॉर द ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर्स। ये हमारे पास यूजर डिफाइंड रजिस्टर्स हैं, एएक्स बीएक्स सीएक्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स की हम इसको बोलते हैं, बिकॉज हम उसको डिफाइन करते हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर्स। इंडेक्स बेसिकली आपका यहाँ पे हमारा ऑफसेट सेव किया जाता है। तो लेट्स सी हमारा जो डिफरेंट इंडेक्स रजिस्टर्स है। फर्स्ट आते हैं हमारे पास सोर्स इंडेक्स रजिस्टर्स। तो बेसिकली हमारे पास इंडेक्स जो रजिस्टर्स है, मतलब इंडेक्स एंड पॉइंटर्स, ये हमारा ऑफसेट एड्रेस यूज करते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं। अगेन दीज ऑल रजिस्टर्स, इंडेक्स रजिस्टर्स और पॉइंटर रजिस्टर्स जो है, ये हमारे 16 बिट का, इसका जो साइज जो होता है वो हमारा 16 बिट का होता है। सेम थिंग एएक्स बीएक्स सीएक्स डीएक्स, ये हमारे 16 बिट के हैं। मीन सेगमेंट रजिस्टर्स का हमारे पास साइज जो होता है वो हमारे पास 16 बिट्स का होता है। तो साइज ऑलवेज द सेम, जो उसके अंदर एड्रेस स्टोर किया जाता है वो भी हमारे पास 16 बिट का एड्रेस होता है। मेमोरी सेगमेंटेशन में हम अभी जब थोड़ी देर में आएंगे, इफ यू हैव टाइम देन वी विल सी दैट थिंग आल्सो। सो फर्स्ट हमारे पास आता है हमारे पास सोर्स इंडेक्स। सोर्स इंडेक्स बेसिकली यूज फॉर द फॉर जनरल डाटा स्टोरेज, ना मेन पर्पस क्या है इसका, कि जो हमारे पास जो बेस इंडेक्स होता है, या फिर हम बोले या फिर हम बोले डाटा सेगमेंट जो आपको पॉइंट आउट कर रहा है, उस जो सोर्स इंडेक्स जो होता है वो हमारा जो डाटा सेगमेंट का जो एड्रेस होता है, ऑफसेट एड्रेस जो होता है, वो उसके अंदर स्टोर करके रखता है कि
आपको बता देगा कि उस पर्टिकुलर किस सेगमेंट के अंदर, जैसे हम डाटा सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट में किस लोकेशन पे आपका डाटा स्टोर्ड है। जो सोर्स इंडेक्स जो होता है, बिकॉज नाम से क्लियर है सोर्स, तो वो उस चीज को डिफाइन करता है, आपको बताता है कि आपका जो डाटा ऑफसेट डाटा जो है वो आपका उस वो एड्रेस कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्स इंडेक्स के बाद में, हमारे पास आता है डेस्टिनेशन इंडेक्स। सो डेस्टिनेशन अगेन, हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स जो हम डीआई जो होता है वो हम यूज करते हैं हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए। डेस्टिनेशन इंडेक्स जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज बेसिकली, अगेन कई बार क्या होता है हमारे पास डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है, सो वी नीड टू रिजर्व सर्टेन मेमोरी। हमें कुछ मेमोरी हमने रिजर्व की है जिसको हम एज अ डाटा सेगमेंट, एज अ अब लेट अस सपोज हमारे पास कोड बड़ा हो गया है या फिर स्टैक बड़ा हो गया है या फिर कुछ भी चीज़ हमारे पास, कोई चीज़ अननेसेसरी जितनी हम डिफाइन करना चाहते हैं उतना डिफाइन नहीं हुआ, उससे हमें थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ा है। सो वी यूज दिस एक्स्ट्रा सेगमेंट जो हमने रिजर्व उसमें रखा था, एंड दिस डेस्टिनेशन इंडेक्स विल डिफाइन दी ऑफसेट एड्रेस ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेगमेंट। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का वो ऑफसेट एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस इंडेक्स जो होता है वो हमारा हमें डिफाइन करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पॉइंटर्स। द फर्स्ट वन इज दी बेस पॉइंटर एंड द सेकेंड वन इज दी स्टैक पॉइंटर। इसको समझने के लिए हम एक लेट मी रेज लेट मी सी लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक मेमोरी पड़ी हुई है, ठीक है। मेमोरी में हमने कोई एड्रेस डिफाइन किया, लेट अस से हमारे पास यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, और हम लेट अस सपोज हमने अपनी स्टैक पॉइंटर जो हमारा बेसिकली स्टैक पॉइंटर बेसिकली एक लोकेशन, ऑब्वियसली हमारा जो स्टैक पॉइंटर है वो लोकेशन स्पेसिफाई कर रहा है। लेट अस सपोज स्टैक पॉइंटर इस पर्टिकुलर लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहा है, और इस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस जो है हमारे पास है 00F8। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जो स्टैक पॉइंटर है उसका क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है, कोई बता सकता है? लीफो सर, लीफो लीफो सर। और इंक्रीमेंट कितने डाटा का करता है, क्या सर? इंक्रीमेंट कितने डाटा का करता है, कितने डाटा सेट वो एक साथ स्टोर करता है। लेट अस सपोज आप 0 लोकेशन पे स्टैक पॉइंटर मतलब एड्रेस की आपके एड्रेस की लोकेशन ही बताता है कि आपका एड्रेस कहाँ पर है, आप कहाँ पे आपको सेव करना है डाटा को। लेट अस सपोज 0 लोकेशन पे सेव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन उसकी क्या होगी, सर 4 होगा सर। 4 होगा या 2 होगा? इंक्रीमेंट यस, और डिक्रीमेंट तो फिर 2 से होता है ना, पुश और पॉप ऑपरेशन। टू बाय टू पुश करेगा अप सर, एंड वो एक पॉप होगा बेसिकली। ये 2 स्टेप्स से बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और से वो है बढ़ता है। ना बिल्कुल ठीक, 2 स्टेप्स से बेसिकली वो डिक्रीमेंट करता है। बेसिकली हम डिक्रीमेंट बोलेंगे तो इट विल बी मोर इजियर, राइट? यस सो है ना, बिकॉज वो नीचे की तरफ ही आता है स्टैक पॉइंटर, डिक्रीमेंट करता है और हमेशा 2 एड्रेस से इंक्रीमेंट करता है। अब लेट अस सपोज हमारे पास ये एड्रेस है 00F8, हमने डिक्रीमेंट किया, स्टैक पॉइंटर की हम बात कर रहे हैं तो 2 का डिक्रीमेंट करते हैं, 00F8 के बाद में यहाँ पर क्या होगा, सर, एफ ए होगा, बिल्कुल ठीक एफ ए बिल्कुल ठीक। फिर क्या होगा, 00F ऑफ सी, सी चलिए बिल्कुल ठीक। अब लेट अस सपोज स्टैक पॉइंटर तो चलिए इंक्रीमेंट करते जा रहा है, और आपने वो डाटा वहां से स्टैक से, बिकॉज स्टैक पॉइंटर जो होता है बेसिकली आपको जो स्टैक सेगमेंट जो होता है उसका ऑफसेट स्टोर करके रखता है। एनीवे एक फंक्शन ये है। अब लेट अस सपोज आपने डायरेक्टली 00FC को एक्सट्रैक्ट करना है, क्या स्टैक पॉइंटर इसको कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा, क्योंकि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो उसको सिंक्रोनाइज वे में ही चलना है, अगर आपको बीच में आप स्किप करना चाहते हैं यू कैन डू दैट थिंग। तो इसके लिए हमारे पास बेस पॉइंटर होता है, बेस पॉइंटर ऑल्सो ये भी हमारा जो स्टैक सेगमेंट जो होता है उसका एड्रेस स्टोर करके रखता है, ऑफसेट एड्रेस स्टोर करके रखता है स्टैक सेगमेंट का, दोनों ही।
तो बेसिकली अगर आपको किसी और पर्टिकुलर एड्रेस का है ना जंप कराना है आपने, और वो उस पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस डाटा या जो भी कुछ वहां पे पड़ा हुआ है उसको एक्सट्रैक्ट करना लेना है, देन यू यूज दिस एज अ बेस पॉइंटर, या फिर हम बोल सकते हैं बेस पॉइंटर एक्ट एज एन हैंडलर। अब इसमें क्या करता है ये बेसिकली, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लेते हैं, लेट अस सपोज ये लेता है, हम हमेशा ही इस तरह से यूज करते हैं, लेट अस सपोज हमें ए एक्स बी पी प्लस टू। सो अब लेट अस सपोज अगर हमने लिखा ए एक्स बी पी प्लस टू, तो बेसिक आप बताइए क्या चीज आएगी इसके अंदर, कौन सा डाटा आएगा इसके अंदर? यस yes? कोई बता सकता है? हमने बोला लेट अस सपोज मूव इंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं, ए एक्स बी पी प्लस टू मूव कराना है हमने, तो अब बताइए ए एक्स के अंदर फाइनली डाटा क्या होगा? मैंने कहा अभी ये हैंडलर यूज करता है, और बेस रजिस्टर जो इसका बेस रजिस्टर जो है ना बेस पॉइंटर का, वो स्टैक पॉइंटर का रजिस्टर होता है। अब मैं बोल रहा हूँ बी सर पी जीरो प्लस टू, जीरो एफ सी नॉट द एस एफ सी 00FC, नहीं ऐसा नहीं क्यों करेगा, एफ एफ ए का डाटा यूज करेगा, दैट ए मीन्स ए एक्स के अंदर जो होगा हमारे पास लेटर सपोज सिक्स पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर सिक्स आएगा। क्लियर? क्लियर सर। अब हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फोर, बिकॉज टू का इंक्रीमेंट करते हैं, लेटर सपोज बी पी प्लस फोर क्या ले हम, सर 00FC जीरो सर जीरो टू एफ आ सी जाएगा और सर, वी उसका कैन गेट डेटा टू टू आएगा टू। सर। सिमिलरली हम वापस भी चल सकते हैं, बीपी माइनस भी ले सकते हैं, बीपी माइनस टू, तो जो ऊपर वाला सेगमेंट जो है इसका एड्रेस क्या होगा, जो भी कुछ एड्रेस होगा वो डायरेक्टली हम इसके अंदर ले सकते हैं। बट स्टैक पॉइंटर अगर हम यूज करते हैं डायरेक्टली पुश एंड पॉप, जो भी आप इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, हम वो चीज नहीं कर सकते थे। क्या कर सकते थे? यस कर सकते थे, नहीं कर नो सकते थे, सर नहीं कर नो सर सकते। नो सर ओके आई थिंक क्लियर हो गया ये चीज, किसी को डाउट इसमें? क्लियर है हाउ वी यूज दिस क्लियर सर। बेस यस सर पॉइंटर? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज व्हाट दिस बेस पॉइंटर एंड स्टैक पॉइंटर इज। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स। इसमें फर्स्ट वन, बिकॉज बिफोर गोइंग फॉर द फ्लैग वी हैव वन अदर रजिस्टर, दैट इज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कोई बता सकता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या होता है? लेट मी आस्क आयुष, वॉट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंट आई पी, और वी कैन से इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है आयुष मेमोरी में, जो क्या इंस्ट्रक्शन है स्टोर करता है मेमोरी में। मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है? नहीं ऐसा तो नहीं है। एहतिशाम, अशरफ, थोड़ा लाउड बोलोगे एहतिशाम? ओके बिल्कुल ठीक, उसको पॉइंट करता है, इसको कोई कनेक्ट करेगा है तो शाम ने काफी सर यस उसके सर, एड्रेस उसके को पॉइंट एड्रेस करता को है स्टोर करके रखता है, और साथ साथ सर। सर ये जो ऑफसेट एड्रेस होता है सर उसको भी स्टोर करता है। साथ साथ नहीं, एफ ऑफसेट एड्रेस को ही स्टोर करके रखता है बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। नेक्स्ट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन है उसके का ऑफसेट एड्रेस को स्टोर ऑफसेट करके एड्रेस, रखता है। बिल्कुल ठीक, और उसका जो दूसरा एड्रेस है आपका, जो हम वर्चुअल एड्रेस जो होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? ऑफसेट एड्रेस से बोला आपका, जो हमारा 4 बिट का कोड हम यहाँ से सेगमेंट में निकालते हैं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, क्योंकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है उसका इंस्ट्रक्शन अपने अंदर होल्ड करके रखता है, उसका एड्रेस बेसिकली ऑफसेट एड्रेस जो बात कर रहे हैं। और हम ऑब्वियसली बात है इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ कोड ही होगा, तो कोड सेगमेंट के अंदर ही होगा वो चीज, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हमेशा कोड सेगमेंट के साथ यूज किया जाता है, और कोड सेगमेंट का जो ऑफसेट एड्रेस जो है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर कोड किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फ्लैग रजिस्टर्स। अब हमारे पास जो होगा, हम फ्लैग की बात करें तो कितने बिट का फ्लैग होता है यहाँ पे, कोई बता सकता है फ्लैग रजिस्टर्स का साइज कितना होता है? सर 16 बिल्कुल ठीक, सारी बात है, आई मीन लिख भी रहा है यहाँ पे 16 बिट, आप काउंट भी कर सकते हैं, तो उसमें चलिए ठीक है। ओके
सो बेसिकली 16 बिट का रजिस्टर्स है। काफी सारे फ्लैग्स जो है वो हम 8085 में देख चुके हैं, आप लोगों को पता भी होगा। कुछ फ्लैग्स इसमें नए आ जाते हैं। बिफोर गोइंग फॉर दैट थिंग, हमारे पास इसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं, हमारे पास जो साइज है इस रजिस्टर का, वो 16 बिट का होता है। कुछ हमारे पास एम्प्टी होते हैं, डोंट केयर कंडीशंस में आते हैं। कुछ हमारे पास जो फ्लैग्स हैं, बेसिकली हमारे पास टोटल जो फ्लैग्स हैं, वहाँ पर 9 फ्लैग्स हैं। देख गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फ्लैग्स। एंड इन 9 फ्लैग्स में से 6 फ्लैग्स को हम बोलते हैं, वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। स्टेटस फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लैग्स, जो हम कंट्रोल के लिए यूज किए जाते हैं। बिफोर गोइंग फॉर दैट थिंग, एक एक चीज देख लेते हैं हमारे पास कौन से फ्लैग्स क्या होते हैं। पहला हमारे पास फ्लैग आता है कैरी फ्लैग, सी एफ लिख देते हैं, कई जगह सी वाई भी लिख देते हैं। अमनदीप, सी एफ क्या होता है, ये कौन सा फ्लैग होता है, क्या करता है? अमनदीप, रोल नंबर 72। अमनदीप, योर माइक इज ऑफ। अमनदीप, यस सर। बड़ी देर में रेस्पॉन्स करते हो, बस चलिए बता दीजिए। ये समन अटेंडेंस नहीं है, बताइए आंसर, बताइए। ये समन, पर अभी समझ रहा हूँ। समझ रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन क्या है ये बताइए अमन। अमन क्वेश्चन क्या है? अमनदीप क्वेश्चन क्या है? सुनो नहीं, सुना नहीं तो? आप बिना सुने आप समझ रहे हो? अच्छा, आप कल भी समझ रहे थे ना, लास्ट टाइम, कल नहीं, परसों। अमनदीप, परसों यस सर। भी आप ही समझ रहे थे ना कुछ? वो समझ में आया या अभी तक सोच रहे हो? या समन, डोंट स्विच ऑफ द माइक, है ना, माइक ऑफ मत कीजिए। अभी तक समझ में आया जो परसों समझ रहे थे, सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे आप परसों? थोड़ा थोड़ा बहुत क्या समझ रहे थे, वही तो पूछ रहे हैं। थोड़ा बहुत क्या समझ में आ रहा था? आपने परसों भी कहा था कि सर मैं समझ रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, हम चलिए आगे बढ़ गए थे। अब हम परसों चीज, मतलब 3 दिन से आप समझ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया, आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, है ना? मतलब आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो ये चीज। ये समन, आप समझते रह जाएंगे, सबकी जॉब लग जाएगी और आप बेचारे समझते ही रह जाएंगे। पता नहीं कैसे करेंगे आप, क्या समझेंगे ना? इट विल बी डिफिकल्ट अमन, प्लीज टेक दिस सीरियसली। मुजाउद्दीन खान, मुजाउद्दीन खान, रोल नंबर 43, रोल नंबर 43, योर माइक इज ऑफ। यस जी सर। बताइए, क्वेश्चन पता है या समझ रहे हैं आप भी? सर मैंने अभी अभी जुड़ गया था नेटवर्क इश्यू की वजह से। हाँ नेटवर्क इश्यू की वजह से अभी अभी ज्वाइन किया था? लगता है मेरे को मॉनिटर लगाना पड़ेगा, है ना? बिकॉज पता नहीं, मुझे तो दिखा नहीं आपने ज्वाइन करते हुए। आप मेरे ख्याल, मुझे हाथ तक तो मुझे पता है आपने पहले ज्वाइन कर रखा था, बट अगेन, है ना, बिकॉज गूगल प्रोवाइड करता है ये चीज़ कि कब किसने ज्वाइन किया, कब कौन लॉग आउट हुआ, कितने मिनट आपने ज्वाइन किया क्लास में। तो आई थिंक मुझे यही चीज़ करनी पड़ेगी नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं क्लास से, है ना? क्वेश्चन ये था, कैरी फ्लैग क्या करता है मुजाउद्दीन? मुजाउद्दीन, क्वेश्चन समझ में आया गया? अब तो बता दीजिए आंसर। सर, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आंसर भी आता होगा या नहीं आता? नहीं आंसर नहीं है। आता। चलिए, लैबा कुरैशी, लैबा कुरैशी ये जी बताइए। क्वेश्चन सर, आप एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, सुना दो बार रिपीट कर चुके हैं था हम। अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं लाइबा? पर। ये सर, अभी तो हमने आप स्टैक वगैरह भी डिस्कस कर रहे थे, और वो पुश और वॉप ऑपरेशन डिस्कस हुआ था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसके बाद आप एग्जांपल दे के पूछ भी रहे थे कि क्या पूछ मतलब रहे थे? उसके बाद वो क्या आएगा।
आप पूछ रहे थे एग्जांपल दिया हम, तो उसके बाद आप ये किस चीज का स्टार्ट एग्जांपल करो, दिया अब था? उसके बाद तो इसी चीज का उसका सर हैंडलर का हैंडलर का। चलिए कुछ सुनाए। क्वेश्चन हमारा ये था कि फ्लैग रजिस्टर्स में हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट फ्लैग हम देखा कि कैरी फ्लैग होता है, या आपको सबको पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है, तो कैरी फ्लैग होता क्या है? कैरी फ्लैग क्या होता है सर? जब भी हम ऐड करते हैं तो सर जो कैरी में जाता है उसको, ये तो सर पहले पढ़ा है हम लोगों ने। बिल्कुल, मैंने कब कहा हम अभी पढ़ा है। अच्छा ओके, तो आई मतलब थिंक अभी फ्लैग्स हमने 8085 में भी पढ़े थे, और हाँ सेम हाँ काफी सारे फ्लैग्स हमारे 8086 में भी सेम ही है। तो जस्ट आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग कि आपको पता है कि नहीं पता है, कुछ याद है कि नहीं याद है। यस सर। सर जब एडिशन करते हैं तो जो बाइनरी का आगे वाला डिजिट होता है वो फ्लैग में जाता है ना टू बी मोर टेक्निकल, अगर बोले आगे वाले डिजिट को हम क्या बोलते हैं? सर, आगे वाले डिजिट को सर अभी याद नहीं आ रहा पर मुझे पता है, मतलब मैंने पढ़ा हुआ है। ओके चलिए, लेट मी आस्क एम समवन एस एल्स। बी सर, MSB, बिल चलिए बिल्कुल ठीक। सर कॉमर्स से शमशाद, रिलेटेड थे। चलिए बिल्कुल ठीक बोला आपने, शमशाद। यस सर, ओके, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? लाइबा ने सही बोला, अनश ने उनको हेल्प करी, वो भी सही कहा, लेकिन आप उनको दोनों को सम अप करके बता दीजिए कैरी फ्लैग क्या करता है। सर मैथमेटिकल ऑपरेशन में जब कैरी जनरेट होता है तो वो सेट हो जाता है सर, बिल्कुल, अदरवाइज रिसेट। अदरवाइज रीसेट हो जाता है, यानी कोई भी आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अगर कैरी जनरेट हो रही है, जी जरूरी नहीं है वो एडिशन ही हो, इट इज नॉट यस नेसेसरी वो सर, एडिशन ही हो, कोई भी आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, अगर वो कैरी जनरेट करा रहा है देन कैरी फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट हो जाएगा। ओके मोहम्मद अल्तमश, यस सर। नेक्स्ट फ्लैग आता है हमारे पास पेरिटी फ्लैग, ये क्या करता है? सर जब किसी ऑपरेशन का रिजल्ट के जो सर नंबर ऑफ वन होते हैं वो जब इवन होंगे तब सर ये पैरिटी फ्लैग सेट हो जाता है, ओके, और जब ऑड होंगे? तब सर रीसेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ए एफ, और वी कैन से दैट ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। लेट मी आस्क, जईम खान, जैसे जी बताइए। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है सर। ओके, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन है, 8086 अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए बनाए भाई, तो सारे के सारे फ्लैग्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाएंगे, है ना? फिर हम ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्यों करते हैं स्पेसिफिकली, क्या मतलब पर्पस क्या है इसका, क्यों यूज़ करा हमने, क्यों दे दिया उन्होंने 8086 में एक एक एक्स्ट्रा फ्लैग आपके सिर पे डाल दिया? जी जहीम खान बता यस सकते हैं या नहीं पता? सर, याद नहीं आ रहा। ओके, बिफोर फर्दर, एक ना हार्श सा कमेंट आपकी क्लास को मैं देना चाहूंगा, ना बिकॉज अभी दो तीन स्टूडेंट्स हैं ना, यू नॉट मतलब आप अटेंशन पे नहीं करते हैं, सुना नहीं आपने, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप आंसर नहीं देते हैं, अगेन ये प्रॉब्लम, फिर आप सोच सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। हम बोलते हैं कि जामिया की इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट इतनी बेकार है, आप खुद देख लीजिए, डू यू डिजर्व आपको वो कंपनी प्लेस करे? आप कुछ परफॉर्म क्लास में तो कर नहीं रहे हो, वहां पे क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपने, है ना? वो क्यों पे करेगी आपको? इट इज यू पीपल जो आपकी प्लेसमेंट बढ़ाएगी, आपका इंप्रेशन कंपनी, आप बाहर इंडस्ट्री में जाते हैं वहां पे कुछ नहीं करते हैं, आपका इंप्रेशन बैड इंप्रेशन है, वो कहेगा यार जामिया के स्टूडेंट्स तो बेकार हैं, कुछ नहीं आता उनको, है ना? धीरे भर का कुछ नहीं आता, क्यों जाऊं मैं वापस? यानी आप जो करते हैं वो आपके जूनियर्स को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज आपने परफॉर्म नहीं किया वहां पे, बिकॉज यू नो नथिंग, आपको कुछ नहीं पता, आपके जूनियर्स को ऊपर ना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी कहेगी यार बेकार इंस्टीट्यूट है, आता जाता कुछ है नहीं, फालतू में हम अपना भी टाइम वेस्ट करें, अपने पैसे भी वेस्ट करें, तो इस बेटर कि वो किसी और बेटर इंस्टीट्यूट में चले जाएं। तो इट इज़ यू पीपल, आप खुद ही देख सकते हैं, 42, 41, 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने 50% ही होंगे शायद जो शायद सुन रहे होंगे और जो समझ भी रहे होंगे, बाकी सब तो बस ठीक है अटेंडेंस चाहिए इसलिए हम आ जाते हैं, या फिर चलो बोर हो रहे हैं टाइम पास करना है
सुबह को कुछ नहीं करते तो लॉग इन करके बैठ जाते हैं, जस्ट सर रियलाइज दी थिंग्स अभी कंपनी, सोचे। सर कंपनीज में तो प्रैक्टिकल ज्यादा रहता है, वो तो हमारा अभी जीरो चल रहा है है ना, प्रैक्टिकल नहीं, वो पहले आपसे थ्योरी पूछेंगे, आपको थ्योरी नहीं आती तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? सर। नहीं सर, आप वो जूनियर अलानी की बात करें, वहां पे प्रैक्टिकल ही करना है तो सर प्रैक्टिकली वो करना है, अगेन वही चीज है ना, प्रैक्टिकली कब कर पाएंगे जब आपको थ्योरी नहीं पता। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने पढ़ा होगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर की हम बात करते हैं, है ना, आपने किसी सर्किट के अंदर रजिस्टर लगाना है, प्रैक्टिकली रजिस्टर इंस्टॉल सोल्डर आउट करना है, उस रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी वो तो आप थ्योरेटिकली निकालोगे ना रसिक, ऑब्वियसली सर। यस, वो ऑब्वियस पहले बात, पहले प्रैक्टिकल डिजाइन से पहले उसका थ्योरी से सब कुछ क्लियर करना पड़ता है कि क्लियर उसमें करना सही है पड़ेगा कि ना नहीं वो है। रजिस्टर, यस वो सर, रजिस्टर क्या किस वैल्यू का वहां पे लगाओगे, किस वैल्यू की जरूरत है, कितना आपको पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे चाहिए, अनलेस एंड अंटिल वो आपको पता ही नहीं है, थ्योरी से आपने वो पढ़ा ही नहीं है, आप कैसे लगा पाओगे, कभी नहीं लगा पाओगे। सेम थिंग अगर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, आप सब मोस्ट प्रोबेबली काफी लोग प्रोग्रामिंग कर भी रहे होंगे, आपको रजिस्टर फ्लैग के बारे में पता नहीं है, लेट एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, आप काफी लोगों को नहीं पता होगा, जैसे अभी भी देखा है दो तीन लोगों को नहीं पता, और बाकी लोग आते नहीं है क्लास में, तो हम एज्यूम करके चलते हैं तो उनको भी नहीं पता होगा, दैट मीन्स 50% ऑफ योर क्लास डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पेनल्टी फ्लैग या फिर कैरी फ्लैग, तो आपको फ्लैग के बारे में पता नहीं होगा, तो प्रोग्रामिंग में आप फ्लैग को कैसे यूज कर पाओगे, इज इट सो रजिक, सही है ना ये बात, है यस सर, ना, प्रैक्टिकल ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आपने आपको उसका बेस ही नहीं पता है ना, तो प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे, आप कैसे करोगे, हर चीज का कुछ चीज वेस्ट नहीं जाती है, रिमेंबर ये चीज याद रखिएगा कि आप फर्दर किसी इंडस्ट्री में जाओगे कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में जब आप कोई काम कर रहे होगे और आपने जो चीज पढ़ी होगी, बेस जो पढ़ा होगा वो कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, नथिंग गोज वेस्ट, कुछ वेस्ट नहीं होता। एनीवे लेट्स कम टू द यस कश्यप, सर पर जब प्रैक्टिकल करते रहते सर तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है सर। दैट्स व्हाई हमारे पास प्रैक्टिकल क्लासेस है, हमारे पास हम 8085 86 सर जब को, टूल किट्स को खुद से यूज करते हैं तब। तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है काशिफ, है ना, बिकॉज देखो हमारे पास एक हफ्ते में 3 घंटे ही होते हैं जो हम थ्योरी क्लासेस लेते हैं, अगर हम 8086 पढ़ने बैठे बहुत डीपली, एक एक पॉइंट पढ़ने बैठे, तो इट विल टेक ना 3 क्लास 3 घंटे में कुछ नहीं होता, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, हम सिर्फ आपको बेसिक ओवरव्यू देते हैं, अब आपका वो इंटरेस्ट है कि आप उसको अंदर कितना डीप जाना चाहते हो, कितना आप उसको समझना चाहते हो, कितना यूज करना चाहते हो, वो प्रैक्टिस है आपके ऊपर, हम सिर्फ फॉर्मुलेस बता सकते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं कि अच्छा ये फ्लैग्स होते हैं ऐसे ऐसे ये होते हैं, एक एग्जाम्पल करके दिखा दिया, ओके। अब कई बार टिपिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, इट इज लाइक अ मैथमेटिक्स, तो जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, आपका इंटरेस्ट है, प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने डेली लाइफ में ला रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स उठा लेते हो आप कहीं से, रियल लाइफ आपके आसपास कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करते हो, देन आपकी वो चीज इंप्रूव करना स्टार्ट कर जाती है। इसका एक प्रैक्टिकल एक अच्छा तरीका है, स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन कॉम्पिटिशन, आप में से कोई किसी कोई कॉम्पिटिशन में गए हो जामिया से बाहर, गए होंगे तो हार्डली एक या दो गए होंगे, तो अगेन वो कॉम्पिटिशन देते हैं आपको, एक स्टार्टअप के लिए पैसा भी देते हैं, इवन पैसा क्या आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे नेम फेम मनी जॉब सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं वो, अगर आप सिंसियरली उस पर वर्क करो एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको आइडिया चाहिए, वो आप बुक से, बुक्स हेल्प्स यू बट वो आपकी थिंकिंग है, आप अपनी किस तरह से उसको सोच के डेवलप कर रहे हो उस चीज को, दे आर लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे जो लाखों रुपए एज अ प्राइज मनी भी देते हैं आपको, एस्टेब्लिश होने के लिए सीड फंडिंग भी देते हैं, दे आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पे एज वेल एज नेशनल लेवल पे भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत काम कर रही है इस चीज के ऊपर और बहुत पैसा दे रही है, बट यू नीड टू एक्सप्लोर दैट थिंग, यू नीड टू वर्क आउट फॉर दैट थिंग, है ना, कोई भी चीज मतलब घर बैठ के नहीं मिल सकती, अनलेस एंड अंटिल यू आपके अंदर खुद के अंदर हो कि यस मुझे ये करना है, क्लियर, आप खुद ही सोच सकते हैं आई थिंक 70 बच्चों की क्लास में कितने स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, कॉम्पिटिशन होने बंद नहीं हुए हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं ऑफलाइन भी हो रहे हैं, क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं बट कॉम्पिटिशन रेगुलरली चल रहे हैं, वो जो मतलब पार्टिसिपेट आपकी वो ही है कि आप पार्टिसिपेट करते हो नहीं करते हो, अब क्वेश्चन कई बार ये बोल देते हैं शायद आप में से कोई मन में ये भी हो रहा होगा सर कॉम्पिटिशन का पता कैसे चले कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यू नीड टू एक्सप्लोर दैट थिंग, आप ढूंढिए इंटरनेट पे आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा, बट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट थिंग, अगर अभी अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, मतलब क्रूशियल स्टेज है, थर्ड ईयर है आपका, एनीवे सर थोड़ा इलाबोरेट कर दीजिए कॉम्पिटिशन का।
कंपटीशन का देखो कुछ नहीं होता, देखो आपकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है ना, बुकिस प्रॉब्लम वो वर्कआउट नहीं करते हैं, आपकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी मोटिवेशन जो है, आप मोटिवेशन लीजिए उस, या कोई कॉम्पिटिशन है उसका बेसिक थीम पकड़िए, उसका बेसिक पर्पज क्या है, या वो आपसे इंटरेस्ट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, एक प्रॉब्लम उठाइए कोई सी जो चैलेंजिंग हो, अगेन आपको जजेस को कन्विंस करना है कि योर प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, और आप उसको सॉल्व कर रहे हो, सॉर्ट आउट कर रहे हो, उसको एक इनोवेटिव वे से सॉर्ट आउट कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेजेंटेशन इज वन पार्ट, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता ही है, बट उसको आप सॉल्व करके उनको दिखा रहे हो, उनको प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट। तो रोबोटिक्स हैं, IITs वगैरह बहुत कॉम्पिटिशन कराते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DBTs हैं वो कॉम्पिटिशन कराते हैं, देर लॉट्स ऑफ थिंग। को फाउंड है एक स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप, वो कॉम्पिटिशन कराती है, वो पूरा फंडिंग करती है। उसके अलावा IGIB है, वो एक पूरा कॉम्पिटिशन कराती है, इवन वो आपको है ना एक डिप्लोमा या फिर कोर्स करने के लिए आपको UK भी भेजती है, इफ अगर आप टॉप टॉप 20 या 50 लिस्ट में आते हो तो। सो देर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट यू नीड टू सर्च, यू नीड टू वर्क आउट फॉर दैट थिंग। एनीवे अभी हम वापस आ जाते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर पे। सर, बट लाइक ओके सही माइक्रो प्रोसेसर जो सब्जेक्ट है सर, ये इलेक्ट्रिकल का कोर नहीं है ना सर, काफी बच्चे सो जाते एग्जैक्टली, भी नहीं अच्छा पढ़ते आप सर। कह रहे हो इलेक्ट्रिकल का कोर नहीं है, चलिए इसके लिए बात कर ही लेते हैं। अच्छा आप बताइए आपका इलेक्ट्रिकल का कोर क्या है? मशीन मशीन, पावर मशीन पावर मशीन सिस्टम पावर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, चलिए 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 इलेक्ट्रिकल मशीन मशीन मशीन। डिजिटल पहले चीज आपने एनालॉग। मशीन, अरे मशीन पे सुनते थे, पहले चीज आपने मशीन कंट्रोल करनी है, तो कैसे करेंगे? मशीन चला दी, मशीन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल सर्किट बनाना है मशीन का, डिजिटल एनालॉग से हो जाता है वो PLC। सब PLC ठीक है, PLC में क्या करना होगा? सर, उसका लैडर डायग्राम कंट्रोल थोड़ा सिस्टम इसमें बना डिजाइन देना करना होगा, पड़ेगा सर, पहले थ्योरेटिकली लेडर डायग्राम वगैरह बना के। लैडर डायग्राम, यानी प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी ना, यस यस सर सर। करनी एंड पड़ेगी सर, PLC लेकिन इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग, है यस सर ना? PLC के अंदर अगर आप PLC डेवलप करना चाहो, मे बी उसके अंदर कुछ माइक्रोप्रोसेसर्स भी लगे होंगे, कभी सर्किट खोल के देखा है, यस सर रेजिस्टर्स भी आईसी होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होगा, यस सर होगा हो रहा है सर। होगा होगा। देखो माइक्रोप्रोसेसर कभी काम ना है ऐसा नहीं है, इवन अगर आप गेट का पेपर, आप कहते हो कि जामिया शायद माइक्रोप्रोसेसर फालतू में पढ़ा रही है, गेट का पेपर उठा के नहीं सर, देखिए, गेट में नहीं आता सर, इलेक्ट्रिकल में नो नहीं सर गेट आता है, में पहले नहीं आता, आता अरे था अच्छा कभी, रिमूव पहले कर कभी दिया आता सर। था, रिमूव कर दिया। अभी चलिए रिमूव है सर, अभी रिमूव ईसी सर, में आता है सर, किसमें सर ईसी और सीएस कम्युनिकेशन में आता है शायद इलेक्ट्रॉनों सर, सर, इसका कम्युनिकेशन में तो आता था है। बट सर माइक्रो अगेन पास सर। देखो मैंने जैसे कहा कुछ वेस्ट नहीं जाता, माइक्रोप्रोसेसर कभी ना कभी अगले सर आपका, अब अच्छा चलिए हम ऐसा समझ लेते हैं, मोस्ट ऑफ द यू गोज फॉर द प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाएंगे, ऐसे कुछ है ना? मयंक है सर, वो कर रहा है प्रोग्रामिंग लाइव कंप्लीट वो प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन काफी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रीज जो आती हैं वो प्रोग्रामिंग की भी आती हैं, राइट? इवन इलेक्ट्रिकल, मैं आपको कुछ जॉब्स दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, लैब्स में दिखाऊंगा जो वर्ल्ड लेवल पे आपको जो जॉब्स निकलती हैं, वो प्रोग्रामर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मांगते हैं, उनको कंप्यूटर साइंस नहीं लिखेंगे वहाँ पे, वहाँ पे लिखेंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, क्लियरली मेंशन करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए हमें एज अ प्रोग्रामर, बिकॉज ना जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ कोडिंग करना जानते हैं, दे डोंट नो द बेसिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किटरी, दे डोंट नो कि वो मशीन्स या ड्राइव्स कैसे काम करती हैं, कंट्रोल सिस्टम को हम कैसे डेवलप करें, दे डोंट नो ऑल दीज ऑल थिंग ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आप, बिकॉज यू नो दीज थिंग्स, दैट्स वाई आपके पास एक अपर हैंड है कि आप मार्केट में जाके उनकी जो जॉब मिल रही है वो आप कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज अगर अगेन अनलेस एंड अंटिल, बस प्रॉब्लम क्या होती है कि शायद आप लोग इंटरेस्ट नहीं देते, उनके पास मजबूरी है बिकॉज उन्होंने वर्कआउट कराना है प्रोग्रामिंग्स में, तो शायद वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हायर अप कर ले। बट अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्रास्टिकली चेंज हो रही है ना, एक वर्चुअल वर्ल्ड में जा रही है, प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री में जा रही है वो, है ना? अगर आप देखो कि पावर सिस्टम्स की, मशीन्स की, स्काडा की, जहाँ पे भी बात कीजिए, PLC एक एग्जाम्पल आपने दिया, सब में प्रोग्रामिंग होती है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चाहे छोटे से छोटे पार्ट में भी आपका उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा होगा, नीड जरूर पड़ेगी आपको वो चीज़। सर, आप तो एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, यहाँ तक कि सर गवर्नमेंट ने तो IRM में उसका एग्जाम भी कैंसिल कर दिया, उसमें UPSC से लेगी सिर्फ, मतलब जो इंजीनियर्स की वो तो होते भाई थे वो। ठीक है चलिए, वो गवर्नमेंट की अपनी, उसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन चलिए गवर्नमेंट छोड़ दीजिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज तो है ना, सर प्राइवेट में अगर टेस्ला का देखे तो वो तो क्रीम लेयर लेगी, लेकिन प्रोग्रामिंग तो उसमें आता ही नहीं है। क्रीम लेयर वो प्रोग्रामिंग लेगी नहीं लेकिन आता भाई है। नहीं सर, इंडिया में जैसे माइक्रो प्रोसेसर्स नहीं है उनका स्कोप काफी बढ़ रहा है, जैसे ताइवान वगैरह से बात तो कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इधर आओ प्रोसेसर हाँ बनाओ,
तो ये इन्वेस्ट आपका करेगी, वो हुआ था सर, फाइनलाइज हुआ था। वो इंडिया की आप बात कर रहे हैं, हम तो वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। चलिए मैं आपको जॉब्स दिखाता हूँ जिसमें वो प्रोग्रामर्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मांगते हैं, ठीक है? अकेडमिक रिसर्च जॉब्स है, बट मैं आई विल शो यू दैट थिंग, ठीक है, टू मेक यू कन्विंस। ऐसा नहीं है, अगेन माइक्रो प्रोसेसर इज इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ, लेकिन ठीक है शायद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नहीं लगता हो, बट है ना, एक ये बड़ी मशीनरी का एक छोटा पार्ट जरूर है। अगर इसको निकाल देंगे सर, देयर मे बी सम प्रॉब्लम। जी एक सर, जो हम लोग नॉर्मल कोडिंग करते हैं सर, प्रोग्रामिंग बिल्कुल लैंग्वेजेस में सर, वो तो हायर लेवल लैंग्वेज में करते हैं सर, और माइक्रो प्रोसेसर में असेंबली लैंग्वेज में करते हैं बिल्कुल सर। सर तो मतलब सर, हायर लेवल लैंग्वेज जो कंपनीज आती हैं सर, वो तो C++ या पाइथन वगैरह खोजती हैं, माइक्रो प्रोसेसर देखो में देखो ना। देखो अगेन, एक ये लेट मी क्लियर दिस थिंग। आप हम एग्जांपल लेते हैं, 8051 के एग्जांपल लेते हैं। चलिए माइक्रो कंट्रोलर है 8051, बहुत कॉमन भी है, एवीआर पिक ये बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत डिमांड भी है इनकी मार्केट के अंदर ना। एम्बेडेड सिस्टम में जाओगे जॉब के लिए तो दे आर सर्चिंग फॉर दैट थिंग। आप अगर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखते हैं और एक आप सी की बात करते हैं ना, बिकॉज सी एक जनरल टर्म है जो सब जगह यूज की जाती है, उसमें प्रोग्राम लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस शायद हमने डिस्कस भी किया था। एएलपी में अगर आप प्रोग्राम लिखते हैं आपका स्पेसिंग कंपैरेटिवली कम हो जाती है, प्रोग्राम बड़ा होता है, स्पेसिंग साइज प्रोग्राम का जब आप बर्न आउट करते हैं तो कम हो जाता है। सी में प्रोग्राम छोटा रहता है, ईजी रहता है, बट साइज ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों लैंग्वेजेस में। अगेन मेन चीज है हमें कॉन्सेप्ट समझना, आर्किटेक्चर समझना। अगर आप आर्किटेक्चर नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी प्रोग्राम का, अब मान लीजिए हमें 8086 को सी प्रोग्रामिंग से करना है, अनलेस एंड अंटिल यू डोंट नो कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग होता क्या है, तो आप क्या प्रोग्रामिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे ये चीज, बिकॉज आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो। आपको पता ही नहीं फ्लैग्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं, अनलेस सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको रजिस्टर्स ही यूज करने पड़ेंगे ना, कुछ और तो यूज नहीं करोगे ना। जो चीज आर्किटेक्चर में अवेलेबल है, एक्यूमुलेटर अवेलेबल है, तो आप एक्यूमुलेटर ही यूज करोगे। अब यहाँ पे अगर आप रजिस्टर 8086 में अगर आप प्रोग्राम काउंटर ढूंढने लगो तो क्या आप ढूंढ पाओगे प्रोग्राम काउंटर? टेल मी, प्रोग्राम काउंटर आप मिल पाएगा आपको 8086 में? नो सर, नो सर, नहीं मिल वो पाएगा। एंड्रॉइड के लिए डिफाइन नहीं हाँ, होता। वो डिफाइन नहीं होता इसके अंदर, है नहीं, यहाँ पर तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, तो वो चीज आपको पता ही नहीं है ना। बिकॉज अगर अनलेस अनटिल आपको आर्किटेक्चर डिफाइंड है, हर उसका सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर समझ जाइए आधी चीज समझ जाएंगे आप। अपनी कहना चाहिए लॉजिकल ऑपरेशंस आप समझ पा रहे हैं, आप प्रोग्राम का, जैसे मैं हमेशा बोलता था, अभी हमने लैब में भी डिस्कस किया था, हम लॉजिक पे कंसंट्रेट ज्यादा कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन तो आपको पढ़ ही लोगे, लॉजिकली अगर आप उसको सोच पा रहे हो, थिंकिंग डेवलप कर पा रहे हो, आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग कर लोगे, जावा सी कोई भी हो, कोई भी हो, इंस्ट्रक्शंस तो गिवन है, आप देख देख के कर सकते हैं। बट अगर आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहे हो उस चीज का, प्रोग्रामिंग का, इवन पीएलसी समझ लेते हैं ना, पीएलसी में थोड़ा भी आपने स्ट्रेस किया, पीएलसी में भी अगर आपको फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे हो, आप पीएलसी की प्रोग्रामिंग कभी कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, या कर पाओगे? नो तो सर, बेसिक पीएलसी भी तो लॉजिक तो एम्बेडेड समझनी सिस्टम्स पड़ेगी का सर। एप्लीकेशन होता है, पीएलसी का बहुत जगह एप्लीकेशन है, ठीक है? तो अगेन अगर आप फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे हो, आर्किटेक्चर किसी चीज का समझ नहीं पा रहे हो, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना, मतलब वो चीज नहीं कर पाओगे आप वो चीज। स्काडा पीएलसी, चलो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी करते हैं, स्काडा की प्रोग्रामिंग जो होती है वो तो इलेक्ट्रिकल वाले ही कर सकते हैं ना, कोई और तो नहीं करेगा या करेगा? टेल मी, कभी सुना है स्काडा? सुना ही होगा आई थिंक, अभी आ चुका है पढ़ तो सब्जेक्ट आपको सुना ना? है, लेकिन सर अभी आया नहीं है, वो अच्छा, नेक्स्ट सेमेस्टर में। नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा, चलिए, है ना, तो उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट थिंग? वो इलेक्ट्रिकल के लिए बना है, सिर्फ कोर इलेक्ट्रिकल के लिए है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ना कंप्यूटर साइंस वाले, कोई नहीं करता उसको, आप ही लोग करते हैं। सो प्रोग्रामिंग इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, उसके बिना आप नहीं, आपका नहीं चल सकता। एंड 99, अगर अंडरस्टैंडिंग आप ना किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे शायद है ना वो मेंटेनेंस में डाल दें आपको, या ऑपरेशंस में आपको डाल दें, तो यू डोंट, यू मे और नॉट नीड योर प्रोग्रामिंग। बट अगेन आप किसी रिसर्च इंडस्ट्री में, किसी डेवलपमेंट फर्म में जाते हो, तो देन यू हैव टू डेवलप, आप डेवलप करना है, देन यू टू नीड, यू नीड आपको प्रोग्रामिंग चाहिए आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पार्ट में, चाहे छोटी हो, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, दैट डिपेंड्स, बट यू नीड, आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ओके चलिए, इस 954, चलिए फ्लैक्स पहले देख लेते हैं। ऑक्सीलरी एसी, ऑक्सीलरी कैरी फ्लैग की हम बात कर रहे थे, यस, कैसे करें, क्या होता है ये, सर, लोअर नेबल से कहाँ हायर नेबल में जब भी जाते हैं तो जो बाइनरी? कैरी होता है वो ऑक्सिलरी कैरी होता है ओके, लोअर नेबल, चलो निबल की बात करी, तो कितने साइज क्या होता है निबल का? सर। हाँ 8 बिट बाई का नेबल होता है, बिल्कुल फोर जी, बिट 4 बिट होता है या 8 बिट नो होता सर है? 8 बिट होता है।
राजीव राजीव अयोध्या 4 बिट 8 बिट कंफ्यूज है, सर देखना पड़ेगा, 4 बिट याद। देखना 4 बिट याद है। चलिए ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे 8 बिट से, जैसे आप बात करी, जब कैरी आउट हो जाता है हमारे 8085 में, जो मिड पॉइंट था हमारा 4 पॉइंट था, फोर्थ थर्ड A3 पिन से D3 पिन बिट से D4 बिट पे जब जाता है, यहाँ पर हमारा D आई थिंक D7 से D8, D7 से D8 पे जब जाएगा तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग डिपेंड करता है, अगर आप जा रहा है कैरी हो रहा है तो ठीक है, नहीं कैरी हो रहा है नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरो फ्लैग, जल्दी से बता दीजिए जीरो फ्लैग क्या होता है। सर जब जब भी रिजल्ट पूरा दिया हो आउटपुट जाता है नहीं तो होगा तो वो सेट हो सेट हो जाता है। जाते हैं। अरे एक बोलिए काशिफ, आप बोल रहे सर जब भी पूरा आउटपुट 0 हो जाता है तो वो सेट हो जाता है। बिल्कुल ठीक, जब भी आउटपुट में जो भी आप ऑपरेशन सप्लाई कर रहे हैं, जब भी आउटपुट में 0 आ जाता है देन वो सेट हो जाता है। जल्दी से काशी अनश साइन फ्लैग। सर जब भी नेगेटिव होता है तो सेट हो जाता है और जब पॉजिटिव होता है तो सर रिसेट हो जाता है। ओके बिल्कुल ठीक, कितने फ्लैग पढ़ लिए हमने, 5। सर 5। ओके रिमेनिंग बचे हमारे पास जी पांचों फ्लैग सर हमारे कौन से। एक यस क्वेश्चन है सर, सर ये यस जो जो खाली है सर, जो जैसे 9 एक्टिव फ्लैग्स हैं, तो उनके अलावा जो ये खाली हैं इनका कोई सेंस है सर? इनका सेंस ओके, प्रोग्रामिंग में हमें इसका कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर। इनिशियली ये स्टेटस फ्लैग है, वी डोंट केयर, ये इसका कोई अभी अभी इनिशियल फेज में डोंट केयर कंडीशंस है, यानी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इस बिट में क्या लगा रहे हो क्या नहीं लगा रहे हो, बट वी कैन यूज दिस 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 एम्प्टी बिट्स ऑल्सो, बट दैट इज एडवांस वर्जन, चलिए उसका एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम उस चीज को। एनीवे अभी जो 5 फ्लैग्स पढ़े हैं हमने, मैंने कहा स्टेटस फ्लैग्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स होते, कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं, ये स्टेटस फ्लैग्स है या फिर कंट्रोल फ्लैग्स है? स्टेटस 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 फ्लैग। इसके अलावा एक और फ्लैग होता है ओवरफ्लो फ्लैग, वो हम कल देखते हैं, ये भी स्टेटस फ्लैग है। इसके अलावा ये 6 फ्लैग्स है जो स्टेटस फ्लैग्स होते हैं, उसके अलावा 3 फ्लैग्स होते हैं हमारे पास, ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग एंड इंटरप्ट फ्लैग। ये 3 फ्लैग्स है कंट्रोल फ्लैग्स को बोलते हैं। लेट मी टेक द अटेंडेंस एंड आई विल लेट यू लीव, आपकी दूसरी क्लास भी होगी एंड वी विल डिस्कस दैट थिंग। तो सेशन में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों आएंगी एंड वी ट्राई टू रैप अप एज फास्ट एज पॉसिबल। चित्रंजन।